वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल राइट वाली लाइफ वन। सो गाइस, जैसे कि आप सब लोग जानते हो, आपके अमित भाई के पास भी एक बजाज डोमिनर 250 बेसिक का बाइक है। तो मैं इस बाइक को चलाते हुए बहुत दिन हो गए एंड अप्रोक्स मैं 563 किलोमीटर्स तक अभी तक चला के आया हूँ। रिसेंटली जो है मैंने ग्वालपारा तक राइड भी करके आया, तो वो वाला वीडियो नहीं देखा था, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, जरूर से देखना, प्यार देना। तो गाइस, आज हम बातें करेंगे मेरा इस डोमिनर बजाज 250 का प्रॉब्लम्स के बारे में, मतलब मेरे को क्या क्या दिक्कत प्रॉब्लम हुआ इस बाइक के साथ, तो वही कुछ नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा। और चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस देखिए, हम लोग जो है अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, हम लोग जो है एक बहुत ही खूबसूरत जगह में आके पहुंच गए। तो गाइस पहले देख लीजिए इस बाइक का स्क्रीनशॉट, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो इसका प्रॉब्लम नंबर वन है, ये जो है इसका मीटर, डिजिटल मीटर, इसका थोड़ा सा इशू है, ये थोड़ा सा एरर दिखाता है। तो देख लीजिए, मैं इसे बाइक स्टार्ट कर लिया ना, तो देखिए 2-3 आरपीएम ऐसे ही उठ जाता है। अगर मैं एक्सलेटर दूँ उसके बाद, तो गाइस देखा, मैं एक्सलेटर दिया उसके बाद ये वाला आरपीएम शो होता है। तो गाइस ये तो हो गया प्रॉब्लम नंबर वन। तो गाइस प्रॉब्लम नंबर टू की बात करें तो इसके इंजन के लेकर, तो बजाज डोमिनर 250 इसको प्रोवाइड करती है 243.77 सीसी इंजन विथ सिंगल सिलेंडर के साथ। तो भाई इंजन तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वो तो आपको पता ही होगा जिसके पास डोमिनर है। एंड गाइस मैं जब इसको लेके जब लॉन्ग राइड पे जाता हूँ ना, तब ये वाला जो इंजन है आपका बजाज डोमिनर 250 का, तो भाई ये बहुत वाइब्रेट करता है एंड बहुत हीटिंग करता है। मैं जब रिसेंटली ग्वालपारा गया था ना, गुवाहाटी तो ग्वालपारा राइड पे, तो अप्रॉक्स अप एंड डाउन मिला के 300 किलोमीटर होगा, तो वहाँ पे ना ये वाला बाइक इतना ज़्यादा हीटिंग हुआ, मतलब मेरा पैर ऐसे था ना, पूरा यहाँ तक भी हीटिंग आ रहा था। तो वही मेरे को एक बहुत दिक्कत वाली बात लगी बजाज 250 में। एंड जिसके पास बजाज 250 है डोमिनर, तो भाई जो लोग देख रहे हो ये वीडियो, जरूर से कमेंट करो भाई ये हीटिंग इशू कब खत्म होगा। तो बहुत सारे भाई लोगों ने मेरे को बोला ये जो कूलिंग है, ये कूलिंग अभी मिनिमम पे है, जब ये मैक्सिमम पे हो जाएगा ना तब ये हीटिंग इशू कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मेरा जो कूलिंग मैक्सिमम पे था ना, तब भी मेरा हीटिंग इशू था एंड अभी भी है। तो चलिए देखते हैं फास्ट सर्विसिंग के बाद ये वाला प्रॉब्लम खत्म होता है या कि नहीं। अगर इस प्रॉब्लम नंबर थ्री की बात करें तो इसके ब्रेक को लेकर, तो भाई ये जो ब्रेक है ना, ऐसे ऐसे जब मैं इसको बाइक करता हूँ ना, तो ब्रेक एकदम मतलब बजाज डोमिनर का आगे का ब्रेक तो बहुत अच्छा है, लेकिन पीछे का जो ब्रेक है ना भाई, बहुत ही घटिया है। तो बहुत सारे भाई ने बोला कि भाई हाँ भाई इसका पीछे का ब्रेक जो है थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन चलिए देखते हैं फास्ट सर्विसिंग के बाद ये खत्म होता है कि नहीं। भाई जब मैं यहाँ से ग्वालपारा गया था ना भाई, ऐसे ऐसे मतलब ब्रेक को बाइक कर रहा था, लेकिन फिर भी मतलब ये जो ब्रेक है ना, यहाँ पे मारो वो दूरी पे जाके रुकता है। तो भाई ऐसा ऐसे होने से कैसे होगा भाई, इतना पैसा खर्च करके इतना अच्छा सा बाइक लिया, अगर ब्रेक ठीक से नहीं लगा तो भाई कैसे होगा। जितना भागती है गाड़ी उतना रुकती नहीं है गाइस, मैं आपको सच में बोल रहा हूँ। इसके पीछे का ब्रेक एकदम अच्छा नहीं है, तो मेरा तो अभी तक फास्ट सर्विसिंग भी नहीं गया, तो देखते हैं आफ्टर फास्ट सर्विसिंग के बाद ये वाला प्रॉब्लम खत्म होता है या नहीं। एंड गाइस प्रॉब्लम नंबर फोर की बात करें तो ये वाला मिरर के लेके, ये दो मिरर के लेके, तो गाइस मिरर तो काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है, आप लोग तो जानते हो बजाज का मिरर काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये गाइस एडजस्टेबल नहीं है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होता है मतलब पीछे का, मतलब उतना भी मतलब ऐसे कंपनी से जो है ना एकदम एग्जैक्ट ये वाला मिरर बैठा के दिया, लेकिन मेरे को मतलब खुद से मेरा कस्टमाइज़ करना होगा। तो सिर्फ ये और ये होता है, सिर्फ लेफ्ट और राइट होता है, अपर डिपर नहीं होता है, ऐसे जो अप एंड डाउन होता है ये नहीं होता है, सिर्फ साइड, सिर्फ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में ये वाला मतलब ये होता है। एंड गाइस प्रॉब्लम नंबर फाइव की बात करें तो प्रॉब्लम नंबर फाइव भी गाइस काफ़ी डेंजरस है, एक प्रॉब्लम है बजाज में, खास की बजाज में इसका जो मतलब मैं जो इसका गियर चेंज करता हूँ ना, तब इसे ठंग ठुंग से मतलब साउंड निकलता है। तो बहुत सारे भाई ने मेरे को बोला भाई बजाज का बाइक लोगे तो भाई चेन में जो साउंड होगा ही, ये बजाज का मतलब प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। एंड गाइस ड्यूक व्यूक में ना भाई इस सब प्रॉब्लम का मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं एसबीएन भाई का ड्यूक 320 भी चला चुका हूँ, लेकिन इतना अच्छे से गियर शिफ्टिंग होता है ना भाई, क्या ही बोलो, बोलो मत। ऐसे तो ये ड्यूक 320 नहीं है, लेकिन 250 सीसी का इंजन तो है ना, अगर ऐसे चेन में ठंग ठुंग सा साउंड निकलेगा तो भाई कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं आफ्टर फास्ट सर्विसिंग के बाद ये भी प्रॉब्लम गायब होता है या फिर नहीं, अगर होता है तो मैं आपको जरूर से बता दूंगा। एंड गाइस प्रॉब्लम नंबर सिक्स जो है इसके सस्पेंशन को लेकर, भाई सस्पेंशन तो काफ़ी अच्छा है, फ्रंट सेट का है अप्स एंड डाउन यूएसडी फोक एंड बैक सेट का है मोनोशॉक, जो कि काफ़ी अच्छा एक बहुत बेहतरीन सस्पेंशन है, लेकिन मेरे को भाई यही प्रॉब्लम है। मेरा तो वजन है अभी 55 kg एंड मेरा बाइक का है 180 kg, तो मेरे को लगता है गाइस, आप लोग गलत मत समझना, मेरे को लगता है भाई इस बाइक को जब कोई हल्का आदमी राइड करेगा ना, तब ये वाला सस्पेंशन ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता। अगर भारी लोग इस बाइक को चलाता है फिर अच्छे से काम करता है, लेकिन मैं ये खुद ट्राई किया, खुद एक्सपीरियंस किया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो गाइस मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आप लोग गलत मत समझना, ठीक है। तो गाइस इसका जो मैं ओवरऑल बातें बोलना चाहूँगा, तो भाई ये तो बाइक काफ़ी सही है बजाज का बाइक, अंडर बजट में
बजट में तो गाइस आप लोग एक बेहतरीन टूरिंग एक हैवी बाइक परचेस करना चाहते हो तो भाई बजाज डोमिनार 250 एकदम आराम से आके बंद करके परचेस कर सकते हो। मैं जब इस बाइक को लेकर गुवाहाटी टू ग्वालपर गया ना भाई, मेरे को तो हैंडल एंड सीटिंग पोजीशन तो भाई काफ़ी अच्छा है। इसका सीटिंग का जो कुशन है ना भाई बहुत एग्रेसिव एंड बहुत सॉफ्ट है भाई, देखो ना कितना अच्छा एक बहुत बेहतरीन सा एक कुशन मिलता है। एंड हैंडलिंग जो है ना गाइस काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा वही प्रॉब्लम थोड़ा सा इंजन में थोड़ा सा हीटिंग होता है। तो चलिए देखते हैं आफ्टर फर्स्ट सर्विसिंग के बाद ये प्रॉब्लम खत्म होता है या नहीं। ओके गाइस, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला डोमिनार 250 से रिलेटेड। एंड जितना भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिया ना, ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग इसे गलत मत समझना। एंड कुछ गलती हुआ तो मैं आपका छोटे भाई हूँ भाई, जरूर से माफ़ कर देना। तो गाइस वीडियो अच्छी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे और डोमिनार 250 से रिलेटेड वीडियोज़ पाने के लिए। मैं मिलता हूँ आपके नेक्स्ट ब्लॉग में, कहीं नेक्स्ट राइड पे या फिर नेक्स्ट डोमिनार 250 से रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। एंड इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। एंड चैनल पर आप लोग मेरा नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हमारा चैनल को ग्रो करने में मदद करो। तो गाइस अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम एंड व्यू जो है ना गाइस काफ़ी अच्छा रहा है। तो इस बड़ा जगह का नाम है लाचित घाट। तो यहाँ पे मेरा डोम को पार्किंग कर दिया भाई, क्या अच्छा लग रहा है। Oh my God!